मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे माँ एक्सरसाइज कर रही है मॉर्निंग वॉक करके आने के बाद, और हम लोग का अभी नींद ही नहीं खुला मॉर्निंग वॉक जाने के लिए। पापा गेट नॉक भी किए थे, उसके बाद वापस रूम आ गया। और बच्चों को स्कूल नहीं रहने से चलो लगता है हाँ थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा सोने के लिए, बट स्कूल रहने से तो मतलब मॉर्निंग वॉक नहीं गए, फिर उठ नहीं है। तो अब जा रही हूँ बच्चों को रेडी करने। बेटी को तो उठा दी हूँ, बेटा भी नहीं उठा है। बस क्या बोलूँ, मैं दिखाती हूँ सुबह सुबह का व्यू आपको, हम लोग घर के बाहर का। ये कितना अच्छा व्यू है, बहुत ही मस्त लग रहा है सुबह का। ये ग्रीनरी एकदम, मतलब हम लोग के ठीक फ्रंट में एक ऐसा मतलब लैंड है, मतलब गवर्नमेंट के लैंड है ये। आपका स्कूल था पहले वहाँ पे, वहाँ का ये भी व्यू में पूरा अंधेरा है, घूमता भी नहीं है कोई भी। उठिए, सुन रहे हैं, उठ जाइए, उठिए। अब भी ये उठे हैं, देखिए अभी भी इनका आईज नहीं खुल रहा है। उठिए, बाबू को भी उठाइए, मेरे से उठेगा नहीं आपसे उठेगा। तो मैं जा रही हूँ किचन में, किचन में बहुत सारा काम वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद अब मैं फ्रेश हो गई हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं सुबह कोम वगैरह कर लेती हूँ। ऐसे किचन का काम तो मैं कंप्लीट कर ली, उसके बाद मैं कॉम करने आई। अब मैं जा रही हूँ इनको ब्रेकफास्ट देने, तो मैं लेके आ गई ब्रेकफास्ट इनके लिए। आज का ब्रेकफास्ट में है भिंडी आलू का भुजिया और नेनुआ मसूर दाल का सब्जी और रोटी। अब माँ यहाँ पे पूजा कर रही है, मतलब मंदिर से पूजा करके मेरे रूम में भी आती है, एक बार हर रूम में जाती है, रूम में जाके एक बार दिखाती है। ये है आफ्टरनून का टाइम और जा रही हूँ पापा को भी लंच कराने। मैं हेयर्स फंस गया है इसमें, कोई मैं निकाल गई थी लंच कराने। और क्या हो बेटा, लग जा बेटा, कुछ नहीं बेटा, जाओ मम्मा आ रही है, दादाजी को खाने के लिए जा रही है। ठीक है बेटा, तो जा रही हूँ लंच। ये कौन ले आया? दादाजी क्या बोल रहे, जा दादाजी के पास जा बेटा, दादाजी कुछ बोल रहे हैं सुना। तो मैं लंच निकाल के ना कॉल वो करती हूँ, फिर आपसे मैं बोले आपसे कॉल करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मैं इनके लिए यहाँ पे ग्रीन टी बना रही हूँ, तो इस जग में बनाती हूँ मैं ग्रीन टी। अभी ये जिम गए हुए, जिम से आएंगे उसके बाद ये ग्रीन टी पियेंगे। तो गर्म पानी बैठा चुकी हूँ मैं, पापा को यहाँ पे लंच भी करा दी। और मैं रूम में गई थी पानी बैठा के, कुछ काम था मुझे। तो देखिए बस मेरा ग्रीन टी भी अब रेडी हो गया। ये मतलब डेली ग्रीन टी ब्लैक कॉफ़ी पीते ही पीते हैं, इनका डाइट में एकदम फिक्स है ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफ़ी। और ऐसे चेंबर में भी पीते हैं, घर पे भी पीते हैं वो। अब मैं जाऊंगी बाबू को सुलाऊंगी, उसके बाद फिर बेटी को टाइम दूंगी। बेटी तो अभी स्कूल से नहीं आई है, तो बेटी से स्कूल से आएगी तो उसको पढ़ाना भी है और फिर उसको लंच भी कराना है। बाबू बाबू चलो मम्मा का रूम में बराबर, दादी जा रही है दीदी को स्कूल से लाने। ये क्या हो गया? हाँ ये क्या कर रहा है मैं शोना बेटा, क्या बैठ 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 करो, मम्मा सुला देती है। ठीक है बेटा, और दीदी का तो होमवर्क ही दीदी का कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा अभी। जाओ करके आओ, फ्रॉप करके आओ, जाओ करके आओ, जल्दी आओ। ठीक है बेटा, सुनाएंगे टाइम पर रहना बाबू का। अब ड्रेस चेंज क्यों कर दिया दीदी? बाबू वॉमिटिंग कर दिया था। बताइए, नया कपड़ा भी वॉमिटिंग कर दिया आपका?
एक दिन और पहने थे न्यू ड्रेस तो कर दिया था। बना दीजिए। आइए ना इधर निकालिए ना, बाटी भी खा लिया जाएगा। मिला इतना सा है ना। होममेड पनीर है। हाँ ऐसे ही बनता है क्या पनीर? पनीर तो वो हार के कपड़ा में वो मतलब डाल के फिर कुछ से रख देना पड़ता है। ये तो वैसे फ्रीज में तो हार हो जाता है। तेल लगाएंगे क्या? उस दिन बटर लगाए थे, थोड़ा सा और तेल लगाइए। तो मैं बाबू को सुला दी हूँ। सुलाने के बाद मैं यहाँ पे घर का छेना फाड़ा हुआ था, तो मैं सोची कि इसको मैं ऐसे टिक्का बना देती हूँ। स्टिक तो था नहीं, तो इसे तवा पे बना दी। सब बेटी आ गई है घर पे, अब इसको मैं ट्यूशन का होमवर्क है वो करा रही हूँ, क्योंकि इस ट्यूशन वाली मैम भी आने वाली है। अब ये रात का टाइम है, रात का टाइम मैं आ गई किचन में डिनर के लिए। मतलब हम लोग का लाइफ ऐसा है कि तीनों टाइम किचन, उसके बाद बच्चों लोग में लगे रहो। मतलब खुद के लिए समय बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है एक हाउसवाइफ को। तो मैं इसमें हल्का सा ऑयल डाली हूँ, जीरा डाल रही हूँ, मिर्ची डालूँगी और टमाटर, बहुत सारा टमाटर के साथ बनाऊँगी। बिकॉज लहसुन प्याज तो पड़ नहीं रहा है कि टमाटर नहीं डालूँगी तो टेस्ट खराब नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे हरा मिर्ची खोज रही थी, तो शायद हरा मिर्ची ख़त्म हो गया है। मैं देवरानी यूज़ की थी, भुजिया बनाई थी, तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और देवरानी है भी नहीं, देवर के साथ सिटी सेंटर गई हुई है, कुछ शॉपिंग वगैरह करना था देवरानी देवर को, तो साथ में गई हुई है। तो मैं वही माँ से पूछ रही थी। मैं हम यूज ही नहीं किया सुबह, वो डाले थे क्या बोलते हैं हरम से डाले ही नहीं। वाको ने बोल दिए क्या उसको? दुकानदार वाको हाँ कितना बोले साइज? ना कभी नीचू का लिखो अगर नीचू दो लाख दो चार लाख अरे बाप क्या बोले। ये सब्जी बनने के बाद ग्रेवी वाला ही सब्जी मैं बनाऊंगी आलू का, उसके बाद आलू का भुजिया भी छौंक दूंगी और बस, और रोटी या पराठा जो भी खाना हो जिसको वो बनेगा और कुछ भी नहीं। वगैरह सब बन गया। बनाई मैं आलू का सब्जी, आलू का भुजिया, पराठा। तो आज का डिनर बस यही था, हम लोग सबका हो गया डिनर। अब जा रही मैं चाय बनाने। चाय बनाने के बाद फिर बच्चों को सुलाऊंगी, सुनने के बाद फिर मैं खुद सोऊंगी। सो गाइज मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।